कृपया ध्यान दें, आप लोग अपनी दुकान और मकान का सामान गाड़ी में लोड करके ले जाइए। अपना सामान जल्दी जल्दी लोड कराएं। अब उम्र भर बेच कोच के आए सब लगाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब दुखिया बेचारी कहाँ जान, हम लोग के कोई न घर न गुरिया, अब कहाँ चले जाए। जो आवाज वाले भरा भी रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं, वो चाबी भी नहीं दे। हम लोग भैया रोड पर लेकर सामान दिए हैं, माँ बाप बूढ़े बूढ़े कहाँ जाएंगे। फर्ज कीजिए कि सर्दी के दिनों में आप अपने घर या दुकान में बैठे हुए हैं या कुछ काम कर रहे हैं, एक सायरन की आवाज़ सुनाई देती है कि आप अपना घर छोड़कर निकल जाइए, मगर कहाँ ये बताने वाला कोई नहीं है। आपको पता चलता है जिस मकान को घर बनाने में आपने दिन रात मेहनत की, अगले कुछ पलों में वो ढहने वाला है, आप बेघर होने वाले हैं। ये कोई किस्सा नहीं बल्कि लखनऊ के अकबर नगर में खींची गई 21 दिसंबर की तस्वीरें हैं। 21 दिसंबर 2023 सुबह के 10 बजे पुलिस का दस्ता, केंद्रीय फोर्सेस, बुलडोजर, प्रशासन के लोगों के साथ साथ एलडीए के आला अधिकारी अकबर नगर में पहुंचते हैं। बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी जाती है, अधिकारियों के हाथ में एक सरकारी फरमान था कुकरेल नाले के पास बसे अकबर नगर की अवैध झुग्गियों को तोड़ने का। यह आदेश पहले भी आया था लेकिन तब लोगों को हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक की मोहलत दी थी। वो तारीख भी आ गई, सब जानते थे कि 21 दिसंबर की सुबह अपने साथ एक तूफान लेकर आने वाली है। 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात कईयों की नींद उड़ चुकी थी, इंतजार था सुबह का। अगली सुबह सब अपने अपने घरों और दुकानों के बाहर टहलते नजर आए, फिर वो तूफान आ गया, लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे। पुलिस प्रशासन तय कर चुका था, लोग बुलडोजर की कार्रवाई पर थोड़ा उग्र हुए तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। बीजेपी के एक नेता भी विरोध में आए थे, सशस्त्र बलों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। डरे हुए लोग रोते रहे, अपना सामान समेटते रहे, लोगों ने दुकानों का शटर खोल फर्नीचर निकालना शुरू कर दिया, गाड़ी में लोड करने लगे। वो कह रहे थे कि हम कहाँ जाएं, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम यहाँ क्यों रह रहे होते। आज तक के विशेष संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने अकबर नगर के लोगों से इस विषय में बात की। गरीब दुखिया बेचारी कहाँ जान, हम लोग के कोई न घर न गुरिया, अब कहाँ चले जाए। जिंदगी भर ये बात होती जा रही है, हम लोग कहाँ जाएं, बच्चे ले कहाँ जाएंगे, के चक्कर में लोग बच्चों के खिलौने हर चीज बर्बाद हुआ जा रहा है। कहाँ जाए छोटे छोटे, आप लोग घर गिरा दिए गए हैं, गिराए जाने, अभी गिराए नहीं गए, गिराए जाने हैं, हम लोग को इन्फॉर्म किया जा रहा। अभी ये तो कह रहा है कि आप लोग को एलडीए के तहत भी और पीएम आवास योजना के तहत। नहीं नहीं, वहाँ कोई भरोसा नहीं, पैसा ले रहे तो फायदा क्या, यहाँ से जब इतना ही पैसा होता तो यहाँ पैसा नहीं दे रहे थे। नहीं, यहाँ कौन सा पैसा, हमारा पहले लिया रह रहे, पैसा कहाँ है। यहाँ घर कितने में लिया? ये तो सब पुराने लोगों की, सब लोग रह गए, हम लोग अब मेरे सास ससुर रहे। ये सरकार ये कह रही है और हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि यहाँ पर जो कुकरेल पिकनिक स्पॉट है ना उसका विस्तार कर रहे हैं, और ये जमीन सरकारी, क्या सबको घर से बाहर कर देंगे, विस्तार करने के सबको बेघर कर देंगे। वो बहुत परेशानी है, आप देख रहे हैं। तो अच्छा, ये एलडीए कह रहा है कि पहले से बताया गया था कि इतने टाइम पीरियड में आप लोग खाली कर लीजिए। कभी आज 500 साल से दुकान है, व्यापार चल रहा है, किसको विश्वास होगा कि एकदम से उजाड़ दिया जाएगा। दुनिया भर के टैक्स दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, इस तरीके से उजाड़ के जो विकास हो रहा है ये किस बिना पे हो रहा है, किसी को उम्मीद ही नहीं थी। ये था कि शायद सरकार कुछ रहम करेगी और छूट देगी, इसी बिना पे हम लोग सरकार के पास मिन्नतें कर रहे थे, कोर्ट के पास मिन्नतें कर। लखनऊ हाईकोर्ट आप लोग गए और फिर आज तक का स्टिकल तक का स्टे लगाया गया। जी जी, अभी भी प्रयासरत हैं, ईश्वर पे भरोसा है, शायद कुछ उम्मीद हो स्टे मिल, अभी स्टे मिल गया है लेकिन उसका कागज आए तो इन लोगों को दिखाया जाए, हम लोग उसे उम्मीद में। बच्चे बुजुर्ग सब इधर उधर दौड़ रहे हैं, सरकार कह रही है इन अवैध बस्तियों को हटाकर कुकरेल पिकनिक स्पॉट का विस्तार करना चाहती है, पिकनिक स्पॉट को नई सुविधाओं से लैस करना चाहती है, जिसके लिए इन बस्तियों को हटाना जरूरी है। समर्थ जब आगे बढ़े तो उन्हें घरों पर एक क्रॉस का निशान दिखाई दिया। जानकारी की तो पता चला जिन घरों पर ये निशान लगे हुए हैं उन्हें तोड़ा जाना है। एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा कि हमारे पास जो कुछ था सब बेच कर इस घर में लगा दिया, अब एक पल में वो निशान लगा कर कहते हैं कि घर खाली कर दो, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब उम्र भर बेच खोज के आए सब लगाए और तुरंत सफाई कहा खाली करो, नहीं निशान लगा दी ने, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम बहुत परेशान भैया, सारी उम्र की कमाई 40 साल से घर द्वार बेच के। घर आपने खरीदा था? हाँ, में खरीदा? नहीं खरीदा नहीं था, ऐसे ले लिया था। ओ भैया बनवाए
नहीं कुछ बोल सकते भैया। सुबह 10 से दोपहर के 3 बज गए। बुलडोजर लगातार लोगों के घरों और दुकानों पर कहर ढाता रहा। 3 बजे भगवान के रूप में कुछ वकील आए। उनके हाथों में एक सरकारी सीलबंद लिफाफा था। उसके अंदर था एक सरकारी फरमान, जिसको दिखाते ही बुलडोजर रोक दिए गए। फरमान दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस पंकज भाटिया ने। इस तोड़फोड़ पर अगले 4 हफ्तों के लिए रोक लग गई है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि पहले विस्थापित होने वालों के पुनर्वास की कार्रवाई पूरी होने दीजिए, उसके बाद जगह को खाली करवाकर कब्जा लिया जाए। 22 जनवरी को इस केस की अगली सुनवाई है। इस आदेश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, मगर इस राहत की उम्र काफ़ी छोटी है। अगली पेशी पर कोर्ट क्या फरमान सुनाएगा, इस सरकार इन लोगों के रहने की क्या व्यवस्था करेगी, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार की तरफ से इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की बात भी कही जा रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।